यूपी के बरेली में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ पहले लड़की से नाम छिपाकर उससे धोखेबाजी की और उसके बाद उसको 10,000 में बेच दिया गया। बरेली में एक विशेष समुदाय के शख्स ने नाम छिपाकर पहले न केवल युवती का अपहरण किया बल्कि उसके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम भी दिया और इससे भी जब मन नहीं भरा तो उसने युवती का सौदा 10,000 में कर डाला। मामले ने तूल पकड़ा, पुलिस हरकत में आई, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने किसी तरह पहले युवती को बरामद किया, बाद में युवती की निशानदेही पर आरोपी अनीस को सलाखों के पीछे भेजा। दिनांक 21/12/23 को थाना विथरी चैनपुर क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के अपहरण की सूचना पर उसके पिता के द्वारा दी गई तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना तत्काल शुरू की गई और अपहर्ता को बरामद कर लिया गया। इधर मामले पर हिंदू संगठन भी उग्र हो गए। कर्णी सेना ने दूसरे आरोपी के तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है कि दोनों चौकी इंचार्ज और सिपाही को तुरंत निलंबित किया जाए और आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कर्णी सेना जो है थाने का घेराव करने पर बाध्य होगी। देश में लागू नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स और ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश में जो ट्रक ड्राइवर हैं वो सांकेतिक हड़ताल करने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। नए साल के दिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में पेट्रोल डीजल की कमी हो सकती है। दरअसल जबलपुर, शाहपुरा, इंडियन ऑयल, भारत और हिंदुस्तान पेट्रोलियम पंप तीनों डिपो के लगभग 1,000 ड्राइवर और कंडक्टर हड़ताल पर हैं। बता दें हिट एंड रन केस को लेकर केंद्र सरकार नया कानून लेकर आई है। घायल को छोड़कर फरार होने पर चालक पर 10 साल की सजा, 7 लाख तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पहले ड्राइवर की थाने से जमानत मिल जाती थी लेकिन अब अधिकतम सजा 10 साल कर दी गई है। हड़ताल पर ड्राइवर्स का कहना है कि जब तक सरकार इस सख्त कानून को वापस नहीं लेती वो पीछे नहीं हटेंगे। तीनों डिपो का जो कल सुबह 6 बजे से हम लोग स्ट्राइक प्रोटेस्ट में हैं, इसका कारण मेन ये है कि जो अभी नया कानून गृह मंत्री जी के द्वारा बनाया गया है उसको वापस लिया जाए, ये हम लोगों की मेन मांग है। दरअसल डिपो से पेट्रोल और डीजल का ट्रांसपोर्टेशन ट्रकों के जरिए होता है और केंद्रीय कानून के विरोध में ट्रक ड्राइवरों ने पहिए थाम दिए हैं। नए साल का आज पहला दिन है, साल 2024 का, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो आज एक इतिहास रचने जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। 3, 2, 1, 0। 2023 में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग और सौर मिशन के सफल लॉन्च के बाद नए साल का पहला दिन इसरो के लिए बेहद खास होने वाला है। इसरो साल के पहले दिन दुनिया का दूसरा और देश का पहला ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है जो पल्सर, ब्लैक होल, आकाशगंगा, रेडिएशन आदि की स्टडी करेगा। इसका नाम एक्सरे पोलारिमीटर सैटेलाइट है। वो जो अंतरिक्ष में होने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा। इसे रमन रिसर्च और यूआर राव सैटेलाइट सेंटर ने मिलकर बनाया है। ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में 50 सबसे ज्यादा चमकने वाले स्रोतों और 830 केवी रेंज की एनर्जी बैंड की स्टडी करेगा। इस उपग्रह की लाइफ 5 साल की है। आज सुबह 9:10 पर इसे लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग से पहले इसरो वैज्ञानिक ने तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर की पूजा की, मिशन की सफलता की मंगल कामना की है। ABP News, आपको रखे आगे।